अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन. आज ड्राइंग में हम अपना पेंडिंग पेज जो हमारा है पेज नंबर 13 उसको फिल करेंगे. इस पेज में हमको क्या ड्रॉ करना है, इस पेज में हमको एक फ्लावर पॉट दिया गया है विथ 3 फ्लावर्स एंड फ्यू लीव्स. इसको हमें कलर करना है. इस टेक्निक को बोलते हैं इम्प्रेशन पेंटिंग. क्या बोलते हैं? इम्प्रेशन पेंटिंग. इम्प्रेशन मतलब होता है छाप. इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? छाप. अब छाप जो है वो किसी भी चीज़ की होती है. यू माइट बी रिमेम्बरिंग कि आपने बचपन में लेडी फिंगर से पेंटिंग की होगी, या आपने पोटैटो को कट करके उससे पेंटिंग की होगी. तो ये हमको जो आज इम्प्रेशन पेंटिंग करनी है, ये करनी है अपनी फिंगर से. तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिंगर इम्प्रेशन पेंटिंग. तो चलिए इस पर इसमें यूज़ होने वाले कलर्स को हम देख लेते हैं. लीव्स में हमको ग्रीन कलर यूज़ करना है, फ्लावर्स में हमको रेड कलर यूज़ करना है, और जो नीचे पॉट है उसमें ब्राउन और ऑरेंज, ये दोनों कलर्स यूज़ करने हैं. जो इसका बैकग्राउंड है ये हम कलर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पेज में काफ़ी सारी जगह ऐसी है जो फिल हो चुकी है. बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डू इट इन योर नोट इन योर बुक. तो बैकग्राउंड में जो ऊपर वाला एरिया है वो है ब्लू कलर का, एंड एज यू कैन सी नीचे वाला है ग्रीन कलर का. बट वॉट वी आर गोइंग टू कलर, वी आर जस्ट कलरिंग द फ्लावर पॉट. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हम फ्लावर पॉट का ब्राउन वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला द फर्स्ट लेयर एंड द थर्ड लेयर, इसको हम कलर करेंगे. तो ये हमें करने होते हैं वाटर कलर से, एज इट इज ऑल्सो रिटन इन द इंडिकेटर्स कि ऊपर लिखा हुआ है कि आपको पोस्टर कलर्स यूज करने हैं. तो पोस्टर कलर्स मतलब होते हैं वाटर कलर, अ टाइप ऑफ वाटर कलर. तो वाटर कलर्स जो होते हैं वो इस टाइप के बॉटल्स में आते हैं. ये होते हैं हमारे पोस्टर कलर्स. व्हाट आर दीज कलर नेम्स? दीज आर नोन एज पोस्टर कलर्स. तो इस टाइप के वाटर कलर्स आपको यूज करने हैं, और यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ वाटर कलर्स ऑल्सो. दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ वाटर कलर. तो चलिए हम यूज करते हैं. हमने पहले बनाया है ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर को यूज करने के लिए व्हाट विल वी डू? वी विल डिप आवर फिंगर इन द कलर, और यहाँ पर बस उसका इम्प्रेशन ऐसे देते जाएंगे. हम इसका इम्प्रेशन हम इस प्रकार से देते जाएंगे, और इसी के साथ हमारा जो ये वाटर कलर है ये कंप्लीट हो जाएगा, लाइक दिस. ओके, ये हो गया. इसी प्रकार हम नीचे भी कर लेंगे. तो हम फिल कर लेते हैं. ये देखिए हमारा ब्राउन कलर कंप्लीट हो चुका है. अब हम इस मिडिल वाले एरिया में ऑरेंज कलर करते हैं. तो हमने अपना ऑरेंज वाटर कलर लिया, एंड स्टार्ट डैबिंग आवर फिंगर. फिंगर को ऑरेंज कलर में डिप करना है, और उसके बाद रैंडमली हमें इसमें इम्प्रेशंस बनाने हैं. और इम्प्रेशंस कहीं पर डार्क होंगे, कहीं पर लाइट. क्यों? क्योंकि फिंगर यूज करते करते कलर के साथ हमारे कलर्स फिंगर पे फिनिश हो जाते हैं. तो लीजिए ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया. एंड नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल आउटलाइन दिस पॉट, क्योंकि बाद में हमको इसको फिर से कलर करना है. एंड नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल आउटलाइन द पॉट. ये जो पॉट के बॉर्डर्स हैं इनको हम आउटलाइन कर देते हैं. सो चलिए शुरू करते हैं आउटलाइन करना विद अ ब्लैक स्केच. यू नो आउटलाइन हम किससे करते हैं? ब्लैक स्केच से करते हैं. ये देखिए इस प्रकार हमको इसमें आउटलाइन करनी है, लाइक दिस. नीचे भी कर देते हैं, ऊपर भी कर देते हैं. संभाल के करिएगा क्योंकि कलर अभी आपका गीला है. आप चाहें तो कलर को सूखने के बाद कर सकते हैं, पर मैं आपको अभी करके दिखा दे रही हूं कि हमको आउटलाइन कैसे करनी है. ऐसे इधर भी और इस वाले एरिया में भी, यहाँ भी हमको आउटलाइन कर देनी है. जहां कलर बाहर निकल गया है वहां पर हम छोड़ सकते हैं, लाइक दिस. ये हो गया हमारा पॉट कंप्लीट. अब हम करेंगे अपने फ्लावर्स को कलर. तो फ्लावर्स एंड लीव्स में हमको कौन से कलर करने हैं? यू ऑल नो फ्लावर्स और लीव में हमको करना है रेड एंड ग्रीन कलर. तो चलिए पहले हम रेड कलर को यूज करते हैं. वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है. अपनी फिंगर को गीला करके वाटर कलर में डिप करना है, एंड स्टार्ट डैबिंग योर फिंगर लाइक दिस. इसकी एक शेप दे देनी है इस प्रकार से. ये देखिए एक फ्लावर पेटल हमारी कलर हो गई. नाउ लेट्स टेक द सेकेंड वन लाइक दिस. दिस इज ऑल्सो कंप्लीट. एंड द थर्ड वन इस प्रकार से.
ये तीन हो गई. नाउ लेट्स टेक द सेकेंड फ्लावर. हियर इट इज. इसको लेकर डैप करते हुए हमें अपने फ्लावर्स के पेटल्स को कलर करना है. और जब आपका कलर फिंगर पे फिनिश होता दिखे, आप अपनी फिंगर को दोबारा से कलर में डैप कर सकते हैं और फिर उसको दोबारा से कलर कर सकते हैं लाइक दिस. चलिए मैं रिमेनिंग पेटल्स भी कलर कर लेती हूँ. ये देखिए हमारा फ्लावर्स जो है वो कलर हो चुके हैं. अभी थोड़े गंदे लग रहे हैं, जब मैं इनमें आउटलाइन कर दूंगी देन दे विल लुक नाइस. अब हम कलर्स करते हैं ग्रीन कलर को. ओके, ग्रीन कलर हमें करना है लीव्स में. फिंगर को कलर में डैप करना है और लीव्स के ऊपर ऐसे टैप कर देंगे. बस हल्के हाथ से आपको लीव्स को टैप करना है कलर के साथ लाइक दिस. लेकिन ध्यान रखिएगा इनकी शेप जो है वो खराब ना हो, क्योंकि कलर करते समय आपके कलर्स हो सकता है बाहर निकल आए और उससे आपका जो शेप है लीफ का वो गंदा लगने लगेगा लाइक दिस. हियर ऑल्सो. ओके द नेक्स्ट वन. इसको हम सारी लीव्स को इसी प्रकार कलर कर लेंगे. द स्मॉल वन हियर ऑल्सो एंड द रिमेनिंग टू. इनको भी हम कलर कर लेते हैं इसी प्रकार से. एंड द फ्लावर पॉट इज डन. अब हमको क्या करना है, इसमें येलो कलर यूज करना है फ्लावर के बीच वाले पोर्शन में. क्या यूज करना है, येलो कलर यूज करेंगे फ्लावर के बीच वाले पोर्शन में. एंड आफ्टर दैट वी विल आउटलाइन द फ्लावर एंड द लीव्स. और उसके साथ ही हमारा जो ये फ्लावर पॉट है ये कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए अब हम येलो कलर करते हैं. येलो कलर हमारा एक ही में काम हो जाएगा, एक ही डैप में लाइक दिस. ये हो गया हमारा कंप्लीट. अब हम इसको ब्लैक आउटलाइन देंगे और उसके बाद हमारा ये फ्लावर पॉट कंप्लीट हो जाएगा. ये देखिए आउटलाइन होने के बाद हमारा फ्लावर पॉट कुछ इस तरह से दिखेगा. वैसे तो आप लोगों को कलर करने से पहले ही डॉट्स को ज्वाइन करके इसकी आउटलाइन देनी है ब्लैक स्केच से. तो जब आप लोग कलर करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही डॉट्स को ज्वाइन करके इसको कंप्लीट कर लीजिए. ओके, क्योंकि वाटर कलर्स करने के बाद आउटलाइन करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी. ओके, अभी मैं आप लोगों को इसका एक कंप्लीट पिक्चर दिखाती हूँ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय.